एक बहुत ही ज्ञानी आदमी ने बोला है दैट समटाइम्स यू एंगेज योरसेल्फ सो मच इनटू अ फेक रियलिटी दैट दैट रियलिटी बिकम्स योर रियलिटी. समझने की कोशिश करो, ठीक है, समझने की कोशिश करो. एंड वी फाउंड अ वेरी सिमिलर एग्जांपल ऑफ द सेम इन बबलू मिश्रा, एक मासूम सा 16 ईयर ओल्ड किड इन देहरादून जिन्होंने अभी रिसेंटली डिस्कवर करा एक नया गेम अमंग अस. बेसिकली राजा वजीर चोर सिपाही को वीडियो गेम में ट्रांसफॉर्म करके स्टीम पे उसके 200 रुपए ले रहे हैं. चूतिया काट रहे तुम लोग का भाई. एंड अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज बबलू मिश्रा कंसिडर्स हिमसेल्फ द बेस्ट इम्पोस्टर ऑल ओवर द प्लैनेट. जी हाँ, द बेस्ट इम्पोस्टर ऑल ओवर द प्लैनेट. सो ऑब्वियसली वी नीडेड टू टॉक टू दिस सब्जेक्ट बबलू मिश्रा एंड हिज फैमिली टू गेट टू नो वॉट एग्जैक्टली गोज इन साइड द माइंड ऑफ द इम्पोस्टर. डाल रहा भाई, ये नहीं दे रहा मैं, चॉकलेट है. पैंट उतारो बेंचो. जी नमस्कार, मेरा नाम बबलू मिश्रा है. मेरे दोस्त मेरे को प्यार से इम्पोस्टर करके बुलाते हैं क्योंकि मैं अमंग अस ये जो गेम है वीडियो गेम है उसका नेशनल लेवल खिलाड़ी हूं. मैं मेरे से बेटर इस गेम में पूरी दुनिया में कोई नहीं है. मैं अभी लिख के दे रहा हूँ, मेरे से बेटर इस गेम में इम्पोस्टर कोई नहीं खेल सकता. तो भैया ये कहानी शुरू हुई करीब 2-3 हफ्ते पहले जब हमारे दोस्त विकास ने हमारे को आकर बोला कि ये गेम है अमंग अस, फोन में फ्री है, स्टीम में 200 रुपए का, बट पीसी में उसने हमको जुगाड़ करके दे दिया. उसने हमको ये गेम के बारे में बताया कि भाई ये 10 क्रूमेट 2 इम्पोस्टर का सीन है कुछ. हमको पहले बहुत चूतिया गेम लगा क्योंकि कुछ सेंस नहीं है खास गेम में. बट फिर 2-3 दिन के अंदर नशा सा हो गया हमको. भाई एक बार ट्रस्ट कर ले, माँ कसम मैं नहीं हूँ इम्पोस्टर. अगर सुन ले मेरी बात, अगर उसको वोट आउट कर, अगर वो नहीं हुआ तो अगली बार मेरे को कर दियो. ठीक है, पक्का. मेरे से बेटर कोई है नहीं इस गेम में. मेरे को, मैं लिख के दे रहा हूं अभी, मैं आज तक एक भी इम्पोस्टर वाला गेम हारा नहीं हूं. आज तक एक गेम नहीं हारा हूं मैं. तो बस यार, फिर एक बार बना इम्पोस्टर, 2 बार बना इम्पोस्टर, और मतलब धीरे धीरे मेरे को लत लग गई उस चीज की कि भाई इम्पोस्टर बनने में जो मजा है वो क्रूमेट बनने में है ही नहीं. क्रूमेट कौन बनता है यार? मेरे को खेलना ही नहीं भाई ये गेम. मेरे को खेलना ही नहीं. भैंचोद नई लॉबी बनाओ वरना मैं नहीं खेल रहा. रहने दो. नहीं, मेरे को एक बात बताओ, मेरे को बहुत सिंपल सी बात बता दो. किसको करनी है भैंचोद फिक्स वायरिंग? भैंचोद वहां पर जाओ, वहां बैं. वीडियो गेम के नाम पे हमसे काउंटिंग करवाते हैं वो लोग. काउंटिंग करवा रहे क्रूमेट लोगों से. मेरे को तो देखो पर्सनली बहुत अनजस्ट लगता है गेम. मेरे हिसाब से 10 इंपोस्टर होने चाहिए और उनको एक दूसरे को मारना चाहिए. 10 इंपोस्टर, 0 क्रूमेट्स. जो मजा कुंडी लगा के, लाइट्स ऑफ करके, बंदे को मार के वेंट करने में है, वो नहीं है मजा और किसी चीज में. वो नहीं होता, वो फनी मीम टाइप होता है कि यस सेक्स इज कूल बट हैव यू एवर, तो उसमें तुम ये चीज इंक्लूड कर सकते हो. बहुत 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 अलग मजा है भाई. और एक वो होते हैं ये ओवर स्मार्ट बनते हैं क्रूमेट, ज्यादा ज्यादा दिमाग चलता है इनका गेम के थ्रू. ज्यादा दिमाग चलता है कि ये बबलू वहां खड़ा हो रखा था, ये इसने टास्क नहीं करा, इसका टास्क बार आगे नहीं बढ़ा. भैंजो तुम अपना काम नहीं कर सकते क्या? हर आए दिन जी नए गेम निकल आते हैं. पहले वो पबजी था, चलो शुक्र है लाख लाख भगवान का बैन तो हुआ कम से कम. अब ये कोई नया गेम निकल के आ गया, मुझे तो नाम भी लेना नहीं आता. अमंग अस की टमंग अस पूरे पूरे दिन भर अपने दोस्तों के साथ लगा रहता है. पता नहीं खामा खा, मैं तो बहुत दुखी हो गई हूँ सच में.
यार भगवान की कसम मैंने नहीं करा वेंट यार, भैंचो मेरी तो सुन लो यार, मेरी सुन लो, मैंने नहीं करा वेंट, नहीं करा वेंट, मैंने मैंने नहीं करा। आ, मैं कराती तेरे को वेंट, आ मैं कराती हूं, आ मैं कराती कमीने तेरे को वेंट, आ कराती हूं, आ कराती हूं, आ कराती हूं कमीने, खत्म नहीं होते तुम्हारे ये ड्रामे, खबर खत्म नहीं होते तुम्हारे ड्रामे। मैं वेंट नहीं करा जब। अरे एक नया सीन शुरू हो गया जी घर में, काम के लिए बोलो तो काम के लिए उठेगा तो जरूर, पर करेगा नहीं काम की, सिर्फ एक्टिंग करेगा। मैं तो समझ में नहीं आ रहा हो रहा क्या। राघव जरा फ्रिज में से अंडे लाके इस बास्केट में रख दे। अंडे वो मैं फेक टास्क करने की प्रैक्टिस करता हूँ। अब अगर गेम में एक्सपर्ट होना है तो रियल लाइफ में मेरे हिसाब से प्रैक्टिस करना चाहिए हमको। अब मेरे को एक चीज बता, अगर घर में वेंट नहीं है तो मैं कहां छुपूं, कहां करूं प्रैक्टिस में? पॉइंट में तेरे से पूछा पूछ रही। मैं यहां पे अपने 200 IQ प्लेस को दिमाग में प्लान कर रहा हूं और इनको लगता है कि पता नहीं मैं जो सीरियल किलर की तरह इधर उधर खड़ा रहता हूं। इनको यार समझ, तुम लोग समझते नहीं हो, मेरा इंटेलेक्ट तुम सबकी समझ के बाहर है। मैं बहुत बहुत डेवलप्ड ह्यूमन बींग हूं। तुम लोग नहीं समझोगे, Among Us के ई-स्पोर्ट्स में इंडिया की होप सिर्फ बबलू है। तुमको ये बात समझ नहीं आ रही, तुम लोग मेरे को चूतिया समझ रहे हो यार, तुम मेरे को चूतिया समझ रहे हो भाई। तो है भाई, भाई तुम मेरे को चूतिया समझ रहा है। मैं बस बहुत डेडिकेटेड हूं इस गेम की तरफ, मैं बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हूं, और वो तुम्हारी समझ के बाहर है। मेरा झूठ बोलने का एबिलिटी, मेरा इंटेलेक्ट तुम्हारी समझ के बाहर है। ऐसा जी, मैं तो मौके की तलाश में हूँ, निकलने दो इसको घर से बाहर। मैंने इसका कंप्यूटर बाहर करके वेंट ना कर दिया तो मेरा नाम भी परेशान नहीं। अब मुझे कोई वोट आउट नहीं कर सकता, एंड दैट्स अ फैक्ट। मैं तुमको सच्चाई बता रहा हूँ, जितने भी झूठे इल्जाम लगा रहे हो, जितना भी भौंक लो कि वेंट करा, ये करा, वो करा, तुम मेरे को वोट आउट नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। विश्वास कर लेते, ठीक है, मैंने नहीं करा वेंट।